बैक इन माई एनदर वीडियो एनदर व्लॉग. अभी एवनिंग स्नैक का टाइम है और मैं आज इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. हॉस्टल में तो पॉसिबल नहीं होता है ऐसे, क्योंकि मैं थकी होती हूँ, लेकिन दो दिन की छुट्टी है तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है. अभी इवनिंग स्नैक में हमारे क्या क्या है वो आप लोग देख लो. तो यहाँ पे हॉस्टल में बना हुआ था आज हमारा ये पोहा खाने के लिए, और घर से मैं जूही की बनाई हुई ये नमक पारा कुछ लेके आई थी. चाय तो है ही इवनिंग में, और यहाँ पे काजू है भुने हुए और जो कि घर से ही लाई थी मैं. यहाँ पे काजू ही वाली नमकीन है जो बेसन की होती है कुछ शायद, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है चाय के साथ ये मुझे पसंद है पर्सनली. आज मैंने मेरा कर्टेन जो है उसको ऊपर से फोल्ड कर दिया है क्योंकि उस पर आज एक कीड़ा बैठ गया था. एंड या आज है हमारे हॉस्टल में एक प्यारी सी बच्ची का बर्थडे, उसके लिए अभी चल रहे हैं थोड़ा सा अपना थोड़ा ठीक करने. तो एक बार तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया नीचे काफी अच्छे से, बहुत मजा आया सब लोग साथ में. और एक डेकोरेशन छोटा सा यहाँ पे हुआ है. कोल्ड ड्रिंक भैया मेरे हाथ में है, नीचे से ढो के ला रही हूँ मैं. और अभी अभी हमारा डिनर हो गया है, अब हम आ गए हैं ऊपर डिनर करके. तो यार बर्थडे की जो एक्साइटमेंट होती है वो हर किसी की नेक्स्ट लेवल ही होती है. बर्थडे के दिन अलग वाली फीलिंग आती है हर किसी को. तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में. भाई पार्टी हुई है ख़त्म और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ. छोटी सी रील बनाई थी प्यारी सी, अगर आपको बर्थडे का मोमेंट देखना है यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे पोस्ट भी कर दिया है, स्टोरी पे भी है, यू कैन गो एंड वॉच. शिवानी हैव यू एवर हैड किया ही नहीं है. अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात, लेकिन हम सभी गर्ल्स साथ में बैठ के एक कमरे में गेम खेल रहे थे आफ्टर बर्थडे सेलिब्रेशन. और कुछ देर में कमरे में आई थी बट मेरा मन नहीं लगा तो मैं चली गई गेम खेलने के लिए, क्योंकि अकेले क्या ही करती. फिलहाल अभी हॉस्टल में अच्छा लगने लगा क्योंकि हम एक दूसरे को सभी गर्ल्स मतलब पहले तो थोड़े थोड़े लोग जानते थे, अब सभी एक दूसरे को जानते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड होता है, अच्छे से हम लोग जानते हैं और अच्छा लगता है. रात को ना भूत बन के डराने वाला बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैंक हो रहे हैं हमारे हॉस्टल में, तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, डर लगता है, लेकिन मज़ा बहुत आती है. तो पढ़ाई के नाम पे आज हुआ जीरो. मॉर्निंग में जाना है कॉलेज क्योंकि दो दिन छुट्टी थी, तो अब तीसरे दिन कॉलेज जाना बहुत अजीब सा लग रहा है सोच के, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही. रास्ते में पानी है, हमें सुबह की प्रिपरेशन करनी बाकी है. सुबह जाना है कॉलेज तो उसका यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ भी ठीक करना ही होगा. मुझे लगता है बाहर अभी भी सब जग रहे हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं रेडी हो चुकी, रेडी हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए. जैसे लग रहा है मैं एक आध दो साल के बाद कॉलेज जाने के मतलब अपनी माइंड सेट कर रही हूँ. जस्ट अभी कॉलेज से आई और आने के मैं लंच टाइम में आ गई हूँ क्योंकि मैंने क्लास छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा इससे कि मेरे गले में दर्द हो रहा था. मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी. इसके लिए मैं लंच में आई हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लंच के बाद वाली क्लास सारी फिर से अटेंड करने जाऊंगी. मैंने लंच कर लिया है एंड ये है मेरा माउथ वॉश. तो यहाँ पे भाई गुनगुना पानी तो नहीं है, इसी ठंडे पानी से ही काम चलाना पड़ेगा.
अभी भी जस्ट मैं कॉलेज गई और फिर से आई और अभी असाइनमेंट बनाना है क्योंकि असाइनमेंट की वार्निंग मिल चुकी है मेरी कोऑर्डिनेटर मैम ने जो दिया है कंप्यूटर का असाइनमेंट उसे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं तुरंत गई A4 साइज पेपर लेके आई हूँ और अब चल रही हूँ इसको स्टार्ट करने। जस्ट मैं फ्रेश होके नहा धो के एकदम आराम से फ्रेश माइंड में धूप लेते हुए इसको बनाऊंगी। धूप लेते हुए क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं नहा लेती हूँ तो धूप मेरे पर पड़ती है मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कर्टेंस हटा दिए हैं ताकि धूप मेरे ऊपर डायरेक्ट आए और अब मैं आराम से चल रही हूँ अपना असाइनमेंट बनाने। और असाइनमेंट के साथ ही साथ में यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ चार्ज हो रहा है और ये है ओयस। मैं इसको छोटी थी तब खाती थी और यहाँ पे मुझे एक दुकान में दिखा तो मैं तुरंत ही लेके आई और खासकर मैं असाइनमेंट बनाने के लिए ही लेके आई थी कि इसको खाते खाते असाइनमेंट बड़े आराम से बन जाएगा। एंड दिस इज़ कार्ड ऑफ संडे रेस्टोरेंट जो कि है सुल्तानपुर में। ये मेरे साथ यहीं पर बैठा रहता है। असाइनमेंट की शुरुआत किया रही है उसके पहले टाइम हो गया हमारे चाय का तो मैं अभी भी जस्ट गई और अपना चाय वाय लेके आ गई हूँ। अब चाय के साथ असाइनमेंट वैसे अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन चाय विद असाइनमेंट। असाइनमेंट बनाते बनाते मेरी नज़र बाहर गई और मैंने सनसेट देखा। वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने सोच लिया है आगे से मेरा कर्टेंस हटा के ही असाइनमेंट बनाया करूँगी ताकि मैं ये खूबसूरत व्यू एंजॉय कर पाऊँ। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैंने इतना ज़्यादा लिखा हुआ है वो भी एक बार में बैठ के लगातार। बहुत ऐसे हाथ दर्द कर रहा है, सिर तो पहले से दर्द कर रहा था कि कल रात में बहुत ज़्यादा देर तक जगी हुई थी रात में तो लग रहा है जैसे अभी भी नींद लगी हुई है। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं आज असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मुझे कल देना ही देना है। तो यहाँ पे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट देख सकते हो आप लोग हो गया है और इसको अब मैं सीरियल से अरेंज करके रख दूंगी। नाउ मेरा ये सब कुछ सीरियल वाइज लग चुका है। आफ्टर क्लास मैं हूँ अभी क्राउन मॉल में और हमें मिले हैं एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर जो कि हमारे कॉलेज के हैं और हमारे सीनियर भी हैं एंड ही इज अभिषेक। तुम वो फाइल के लिए आकांक्षा से बात करो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सामने द वेफल बी के और यहाँ पे हम पियेंगे चाय। लेकिन हमारी जो अभी और लोग साथ में हैं वो सामने हैं। देखो जैसे कि वो मेरी बैग आ रही है। गाइस तो यहाँ पे झूठी ब्लॉगिंग चल रही है कि ये मेरे लिए ट्रीट थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए कोई ट्रीट नहीं थी, हम लोग बस एक कप चाय पीने वाले हैं और बाकी सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। और नंबर मेरी ऑडियंस तुम्हारे उसमें नहीं जाएगी। लेकिन तुम्हारी ऑडियंस मेरे जाएगी, कैसे तुम्हें पता मेरी ऑडियंस जाएगी? तुम्हें चल कर आओ मेरे लिए रूम में। हम करते हैं सबसे बड़ा झूठा ब्लॉगर है कि इन्होंने मुझे आई मीन आई एम माय सीनियर तो मैं इज्जत करूँगी। मैं कॉलेज से निकलने के बाद मैं इतनी ज़्यादा वाहियात लग रही थी कि मैं लिपस्टिक लेके हाथ में आई हूँ वॉशरूम में और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ लिपस्टिक, नकली चेहरा सामने आ चुका है, असली चेहरा से पहले दिख रहा था। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने प्लान कर लिया है बाहर जाने का। बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया और इन तीनों लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सीरियसली उनकी अपनी ब्लॉगिंग चल रही है, मेरी अपनी ब्लॉगिंग चल रही है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में और वो हमारे व्लॉग्स और हम उनके व्लॉग्स देखते थे। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम मिलेंगे क्योंकि वो हमारे सीनियर थे, वो यहाँ से पास आउट थे। लेकिन अब फिर से वो यहाँ से कुछ कर रहे हैं क्योंकि अब वो हमारे सुपर सीनियर बन चुके हैं। शायद ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी मीटिंग थी हमारी, बहुत अच्छा लगा हमें। काफ़ी मतलब लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं ऐसा। तो यही था आज का क्राउन मॉल और हमारी मीटिंग का एक्सपीरियंस। बाय द वे अभी मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। ऐसे देखने में लगता है कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है स्काई स्काई, लेकिन जब धूप में चलना पड़ता है ना तो पता चलता है पूरा चेहरा बर्बाद हो जाता है। अभी हॉस्टल में
मेरे खूबसूरत चरण आ चुके हैं। उसमें कॉलेज से हॉस्टल आने का जो टाइम होता है ना, सबसे बुरा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा थकावट से भरा हुआ होता है। कॉलेज से आने के बाद का जो पहला काम होता है मेरा, वो होता है बॉटल भरना। तो अभी भी जस्ट मैं हॉस्टल आई हुई हूँ कॉलेज से, और आते ही मैंने देखा मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं ठीक थी, कुछ कनेक्शंस ख़राब थे कमरे में, तो वो ठीक करने वाले भैया आए थे इलेक्ट्रिशियन, और सही टाइम पे पहुँची। अभी मेरे कमरे में हो रहा है ठीक। और मेरे कॉलेज में क्लीनिंग वाले अंकल जा चुके थे, क्योंकि मैं बहुत लेट, कॉलेज की टाइमिंग जो है वो देर तक है, तो झाड़ू मुझे अपने बालकनी में। तो अभी सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, और मैंने एक दिन पूरा ब्लॉगिंग स्किप किया ये एक दिन बाद की, क्योंकि असाइनमेंट बनाना था और मुझे पहले असाइनमेंट नहीं पता था, तो सडनली मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि बनाना ही है। तो अभी मेरा माइंड जो है वो लोड नहीं ले पा रहा है ऑब्वियसली, और मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा परेशान। जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा माइंड एकदम लगता है कि किसी साइड नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इट मींस जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है दिमाग पे, कई चीज़ों का प्रेशर एक साथ पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ म्यूज़िक होती हैं जो मतलब सुन के आपको रिलीफ मिले, वो लगा के कान के पास छोड़ देती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, दैट्स इट। ओके नाउ अब डिनर टाइम हो गया है, और मैं अपना खाना हमेशा की तरह आज भी ऊपर ही लेके आ गई हूँ। बहुत दिनों बाद अपना खाना दिखा रही हूँ। आज बनाया है छोला पूरी चावल, और ये है खीर।